हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मनीष शर्मा फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट आरसी, खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में आज हम सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के सब्जेक्ट ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम के अंदर क्रिस्टल माइक्रोफोन की स्टडी करेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम कार्बन माइक्रोफोन और कंडेंसर या कैपेसिटर माइक्रोफोन की स्टडी कर चुके हैं तथा माइक्रोफोन की जो डेफिनेशन होती है बेसिक, उसको देख चुके हैं। सभी माइक्रोफोन्स में हम माइक्रोफोन्स का कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, एप्लीकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इन सब की स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल माइक्रोफोन। क्रिस्टल माइक्रोफोन पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड होता है। इसके अंदर एक क्रिस्टल काम में लिया जाता है और पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ये माइक्रोफोन बेस्ड होता है। ये पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसको हम डिफाइन करें कि इफ अ पीस ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज हेल्ड बिटवीन टू फ्लैट मेटल प्लेट्स एंड द प्लेट्स आर प्रेस्ड टुगेदर, a small EMF will be developed between the plates. इसका मतलब है कि यदि एक क्रिस्टल को दो फ्लैट मेटल प्लेट्स के बीच में रखें और प्लेट्स को दबाएं तो एक EMF जनरेट होता है और ये EMF जो जनरेट होता है ये प्रेशर कितना हम लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जब प्रेशर प्लेट से रिलीज होता है तो क्रिस्टल वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता है और ऑपोजिट पोलरिटी का ईएमएफ जनरेट होता है। इस तरह से मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है क्रिस्टल के द्वारा और ये इफेक्ट कहलाता है पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वार्ट्ज क्रिस्टल, रोशेल साल्ट, कुछ सिरेमिक मटेरियल, टर्मलाइन, ये सब पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं तथा इनके अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं और इन मटेरियल्स को क्रिस्टल माइक्रोफोन बनाने के लिए काम में लिया जाता है। अब हम देखते हैं क्रिस्टल माइक्रोफोन का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। इस फिगर में क्रिस्टल माइक्रोफोन का कंस्ट्रक्शन दिखाया गया और क्रिस्टल जो इसमें दिख रहा है उस क्रिस्टल को हम प्लेन्स के अलोंग काटते हैं और जो स्लाइस के रूप में दिखता है और मेटल फॉइल इलेक्ट्रोड्स को दोनों उसकी दोनों सतहों को इस तरह से जोड़ते हैं जिससे कि ये आउटपुट टर्मिनल पर विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस को ले जाने का, वोल्टेज को ले जाने का कार्य कर सके। दो पतली क्रिस्टल स्लाइसेस को एयर स्पेस के बीच में इंसुलेटिंग होल्डर के बीच में हमने रखा हुआ। क्रिस्टल की इस तरह की बहुत सारी यूनिट्स को बढ़ाकर लगाकर हम ईएमएफ को बढ़ा देते हैं। यहां पर एक डायफ्राम दिख रहा है जो पुश रॉड से होकर क्रिस्टल की सतह से जुड़ा हुआ है और ये जो पूरा जो यूनिट है ये एक सुरक्षात्मक केस या सिक्योरिटी कवर में रहती है और ये जो डायफ्राम है इस डायफ्राम के ऊपर प्रोटेक्टिव कवर जिसको मैश भी कहते हैं वो लगा हुआ रहता है और ये डायफ्राम स्प्रिंग के थ्रू सपोर्टिंग फिक्सचर से जुड़ा हुआ दिख रहा है। ये था क्रिस्टल माइक्रोफोन का कंस्ट्रक्शन। हम इसको सिंपल वे में कह सकते हैं कि थिन क्रिस्टल स्लाइसेस आर हेल्ड इन द एयर स्पेस बिटवीन इंसुलेटिंग होल्डर जो हमने अभी पढ़ा कि रोशेल साल्ट, क्वार्ट्ज, टर्मलाइन, सिरेमिक्स एटसेट्रा, ये क्रिस्टल माइक्रोफोन में काम में आते हैं और एक डायफ्राम मेड ऑफ एल्यूमिनियम वो क्रिस्टल पर कनेक्टेड होता है, क्रिस्टल एक पुश रॉड पे थे और ये सब एक सिक्योर केस में रखा था और डायफ्राम जो होता है वो प्रोटेक्टिव कवर जिसको मेश भी कहते हैं उससे प्रोटेक्टेड रहता है। तो ये था क्रिस्टल माइक्रोफोन का कंस्ट्रक्शन। इसका जो बेसिक सिंपल डायग्राम हमने आगे दिखाया हुआ है, इस डायग्राम में सारी चीजें सिंपलीफाइड फॉर्म में हमने दिखाई है कि साउंड वेव्स आ रही हैं, वो साउंड वेव्स क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर
पड़ रही है, उसके बाद क्रिस्टल की साइड से आउटपुट लिया जा रहा है जो कि माइक्रोफोन का आउटपुट है। तो वर्किंग जैसा हमने देखा कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड होती है, क्रिस्टल को जब प्रेस किया जाता है तो उसके फेजेस में जो फेज होते हैं उसके दूसरे उनमें वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ इस वर्किंग में साउंड वेव्स स्ट्राइकिंग द डायफ्राम कॉज वेरिंग प्रेशर टू बी अप्लाइड टू द क्रिस्टल, अर्थात जब साउंड वेव्स आती हैं डायफ्राम पर तो वो प्रेशर डिफरेंट फॉर्म में वेरी करते हुए उन पर क्रिस्टल पर लगता है, जिसकी वजह से माइक्रोफोन में आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होती है इन सिंपैथी विद द साउंड वेव्स, अर्थात साउंड वेव्स के प्रेशर के अकॉर्डिंग जितना क्रिस्टल डिफॉर्म होता है उसके अकॉर्डिंगली माइक्रोफोन की आउटपुट प्रोड्यूस होती है। इस क्रिस्टल माइक्रोफोन में कोई बैटरी की जरूरत नहीं होती, और जैसा हम आगे देखेंगे डायनामिक माइक्रोफोन कि ये क्रिस्टल डायरेक्टली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद हम देखते हैं क्रिस्टल माइक्रोफोन की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है। ये कैसेट रिकॉर्डर में और कम्युनिकेशन सिस्टम में काम में आता है, वैरायटी ऑफ मॉनिटरिंग एप्लीकेशंस में भी काम में आता है, एंड फॉर ऑटोमेटिव ट्रांसमीटर्स ऑब्लिक सेंसर्स, ऑटोमेटिव ट्रांसमीटर ऑटोमेटिव सेंसर्स में ये यूज में आता है। क्रिस्टल माइक्रोफोन के एडवांटेजेस, सेंसिटिविटी इज गुड, इसकी सेंसिटिविटी अच्छी होती है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो या SNR इसका हाई होता है, लो डिस्टॉर्शन होता है, हाई आउटपुट इम्पिडेंस होता है, कोई एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत नहीं होती और लो कॉस्ट होता है, इसकी कॉस्ट भी कम होती है। अब इसके डिसएडवांटेज कि ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का माइक्रोफोन नहीं है, ये मॉइस्चर और हीट से ससेप्टेबल है, अर्थात ये खराब हो सकता है मॉइस्चर और हीट की वजह से, और इसको सनलाइट में आउटडोर में बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रखा जाता, इसके खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये था क्रिस्टल माइक्रोफोन, उसका कंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन, वर्किंग एडवांटेज, डिसएडवांटेज। अब हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप के माइक्रोफोन की स्टडी करेंगे। थैंक यू।